हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सरलीकरण यानी बॉडमास रूल को पढ़ेंगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए 3 + 6 / 2 - 4, इसको देखते ही आपके दिमाग में आएगा कि पहले प्लस करें, भाग करें या माइनस करें। तो इसके लिए एक नियम बनाया गया है जिसको हम कहते हैं बॉडमास रूल। तो चलिए बॉडमास रूल को समझते हैं। बॉडमास की फुल फॉर्म होती है बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। कहने का मतलब है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और ब्रैकेट भी तीन तरीके के हो सकते हैं। पहला स्मॉल ब्रैकेट, दूसरा कर्ली ब्रैकेट, तीसरा बिग ब्रैकेट। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर कर्ली को और फिर बिग को। उसके बाद हमें ऑफ को सॉल्व करना है, फिर हमें डिवीज़न करना है यानी भाग, फिर हमें मल्टीप्लाई करना है यानी गुणा, फिर हमें एडिशन करना है यानी जोड़, फिर हमें सब्ट्रैक्शन करना है यानी घटाओ। तो पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 + 6 / 2 - 4। तो इसमें देखिए ब्रैकेट तो है नहीं और ना ही ऑफ है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, भाग। तो 3 को हम ऐसे लिखेंगे, प्लस को भी ऐसे लिखेंगे, और सबसे पहले हम इन दोनों का भाग करेंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6/2, और -4 को हम ऐसे ही रहने देंगे। अब हम इसको भाग कर देते हैं, ये 2 से कट जाएगा, 2 × 3 = 6। अब हम इसको लिख लेते हैं 3 + 3 - 4। अब देखिए भाग के बाद हमें गुणा करना होता है, तो गुणा तो इसमें है नहीं, तो उसके बाद हमें जोड़ करना होता है, तो अब हम जोड़ करेंगे। तो 3 और 3 मिलकर हो जाएगा 6, और -4 ऐसे ही रहेगा। तो सबसे लास्ट में हमें घटाव करना होता है, तो 6 में से जब 4 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2। तो यह आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 32 + 8 / (7 - 5). तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बाकी सबको ऐसे ही लिख लेते हैं 32 + 8 / जब 7 में से 5 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2। अब देखिए ब्रैकेट के बाद हमें ऑफ को सॉल्व करना है, ऑफ तो इसमें है नहीं, तो अब हम इसमें भाग करेंगे, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 32 को ऐसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8/2, ये 2 से कट जाएगा, 2 × 4 = 8। तो हमारे पास बचेगा 32 + 4। अब हम इनको जोड़ लेंगे, 32 और 4 हो जाएगा 36। तो यह आ गया हमारा आंसर। तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो देखिए स्मॉल ब्रैकेट है इसमें यहाँ, तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है। तो बाकी सबको ऐसे लिख लेंगे 14 + (12 -) - (4). तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, और इन दोनों ब्रैकेट को फिर से बंद कर देंगे। अब देखिए हमें स्मॉल ब्रैकेट के बाद कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो यहाँ है कर्ली ब्रैकेट, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बाकी सबको ऐसे लिख लेंगे 14 + 12 - (4 और 6 = 10, और बड़े वाले ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे। अब देखिए हमें बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 14 + 12 में से जब 10 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2। अब हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 14 और 2 हो जाएगा 16। तो यह आ गया हमारा आंसर। चौथा और लास्ट क्वेश्चन हल करते हैं। अब देखिए इसमें बड़ा ब्रैकेट भी है, कर्ली भी है, और स्मॉल ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बाकी सबको ऐसे ही लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 6 - (6 -) - (6 -) जब 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, -6, और इन दोनों को हम ऐसे ही लगा देते हैं, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। तो हमारे पास बचा
छ माइनस छ माइनस कर्ली ब्रैकेट छ माइनस छ, जीरो में से छह में से जब जीरो माइनस करेंगे तो छह ही बचेगा और इस ब्रैकेट को कर देते हैं बंद। अब हमें स्मॉल के बाद करना है कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व, तो ये रहा कर्ली ब्रैकेट, बाकी सबको ऐसे ही लिख लेते हैं, छ माइनस बिग ब्रैकेट माइनस छह में से जब छह जाएगा तो जीरो बचेगा और बड़े वाले ब्रैकेट को ऐसे ही लगा देते हैं। अब करना है हमें बड़ा ब्रैकेट सॉल्व, तो हो जाएगा छह माइनस जब छह में से जीरो जाएगा तो छह बचेगा। अब देखिए यहाँ भी छह है और यहाँ भी छह है, छह में से हमें छह को माइनस करना है तो हमारे पास बचेगा जीरो, तो ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा।